वृंदावन में षष्ठी पूर्ति महोत्सव का आयोजन किया गया है। बाटसल ग्राम में षष्ठी पूर्ति महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। हमारी बात को समाज के बहुत लोग बड़ी श्रद्धा से आस्था से मानते हैं, तो सामाजिक ये कुरीतियां इसकी ओर भी लगना चाहिए कि अगर मादक द्रव्यों का सेवन बढ़ गया तो हमारी अगली आने वाली पीढ़ी वो खराब हो रही है, उसको ठीक दिशा में लाएं। देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब मैंने सबसे पहले मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला तो उन्होंने फोन करके कहा कि एक बहुत बड़ा ऐसा एक रोग, ऐसी एक समस्या, ऐसा एक कलंक हरियाणा पर लगा हुआ, उसको दूर करना है, जिसका जिक्र साध्वी जी ने किया कि बेटियों की संख्या कम होती जा रही है, लिंगानुपात बिगड़ता जा रहा है, इसके बिगड़ने से बहुत बड़ी कुरीति समाज में आने की संभावना बनती है। तो प्रधानमंत्री जी स्वयं आए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से हमने शुरू किया। मुझे संतोष है उस बात का कि जो उस समय 971 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बेटियों का जो अनुपात था 971, आज वो बढ़ करके 932 हो गया है, 871 था उस समय, 871 से 932 हो गया है। हमारा टारगेट है 950 तक, तो हम प्रयत्न और जोर से करेंगे, 950 पहुंचता समाज का, बाकी चीजें समाज अपने आप कोई ना कोई व्यवस्थाएं बना लेता है। लेकिन इन सारी बातों में जो संत समाज भूमिका निभा रहा, मैं सराहना करता हूं, मैं वंदन करता हूं संत समाज का। और आज इस अवसर पर दीदी माँ को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और हाँ, एक और, आज इंग्लिश कैलेंडर का 2023 का आखिरी दिन है, 2024 कल से शुरू हो रहा है, तो इस इंग्लिश कैलेंडर के 2000